नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम जुड़ रहे हैं किराना घराने के सशक्त नाम सशक्त कलाकारों में से एक पंडित कैवल्य कुमार जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो पंडित जी, जब भी इस तरह का सौभाग्य मिलता है कि आप जैसे गुणी कलाकारों के बारे में बातचीत का, तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ बचपन से, क्योंकि उससे ये भी समझ में आता है कि क्या बचपन भी अलग था या बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही था। तो आपसे भी यही निवेदन है, बचपन बचपन की कुछ यादें ताजा करिए आज हमारे साथ। बचपन मेरा बिल्कुल अलग था क्योंकि मैं म्यूजिक में था ही नहीं उस समय, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूजिक। मैं तो फिल्म म्यूजिक गाता था, और रफ़ी साहब, मन्नाडे साहब, हम यही गाने, क्योंकि कॉलेज में और स्कूल्स में यही होते थे, तो इसलिए आई गॉट ऑन द स्टेज एट द एज ऑफ, सो फ्रॉम दैट डे द जर्नी स्टार्टेड। तो हर एक कंपटीशन में मैं ही जीतता था, तो कभी कभी रफ़ी का गाना, कभी किशोर कुमार का गाना, कभी मन्नाडे का गाना, ऐसे करते करते डिग्री ख़त्म कर ली मैंने, इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद बीकॉम कर लिया, बीकॉम हो गया, उसके बाद बी म्यूजिक कर लिया, एम म्यूजिक कर लिया, कलाकार हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपके परिवार में संगीत की परंपरा, वो भी बकायदा जो सबसे प्रतिष्ठित घराने हैं, किराना घराने की परंपरा चली आ रही थी, वो भी किराना घराने के संस्थापक सदस्यों के परिवार की परंपरा चली आ रही थी एक तरीके से। बिल्कुल। तो आपका परिचय कैसे हुआ, ये बदलाव कैसे हुआ कि एक तरफ रफी, मन्ना दा और किशोर कुमार, और दूसरी तरफ अब्दुल वहीद खान साहब या आपके पिताजी या फिर भीमसेन जोशी जी, ये चेंज कैसे हुआ? ये एक चेंज ऐसे हुआ कि पिताजी के एक मित्र थे बम्बई में, दांडेकर जी करके, वो एक दिन आए हमारे घर पे कि, और आके पिताजी से मिले। फिर शाम को मैं लौटा कॉलेज से, मैंने कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एजुकेशन करता हूँ। अरे उसके बारे में कौन पूछता है यार, वो तो हर कोई कर लेता है। आपका गाने का क्षेत्र है, इतने बड़े का ये खानदान में से हो, आप गाना वाना कुछ गाते हो? मैंने कहा मैं तो गाना गाता हूँ, लेकिन फिल्म गाना गाना होता हूँ गाता हूँ, लेकिन ये आपका क्लासिकल वाला नहीं, क्यों मुझे पसंद नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में चलता नहीं, इसलिए नहीं गाया। अच्छा, तो उन्होंने उस समय एक छोटा सा एक ये टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो उसने वो कैसेट लगाया और एक मराठी नाट्य संगीत सुनवाया बालगंधर्व जी का। तो उन्होंने कहा कि या क्या आप इसको रिपीट कर सकते हो? मैंने कहा और एक बार लगा लिए, तो और एक बार लगा लिया, तो फिर तीसरी बार मैं आई रिपीटेड एज इट इज। तो उन्होंने माथे पे हाथ लगाया, क्या कर रहे हैं पंडित जी, और पंडित जी को डांटने लगे, पंडित जी इतना बड़ा खजाना आपके पास है और इनको सिखाते नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी का एक आंसर क्या आया, भूख नहीं है, जिसको भूख है उसको मैं देने, जब उसको भूख लगेगी तो दे दूंगा। तो उस दिन से मेरा नाट्य संगीत से मेरा क्लासिकल का प्रवास शुरू हो गया, मराठी नाट्य संगीत से। तो 2-3 साल तक मैं मराठी नाट्य संगीत गाता रहा, और उसके बाद मुझे एक दिन महसूस हुआ कि अभी समुंदर में कूदना ही, ये बस हो गया। तो उस दिन से मेरा मेरा जो आपसे परिचय हुआ, मतलब एक एक संगीत प्रेमी के तौर पर, मुझे याद है कई बरस पहले यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते आपका गाया गोरख कल्याण मुझे दिखाई दिया, और मैं ऐसे ही मैं वो सुन गया, और मैं बड़ा हतप्रभ रहा। और उसके बाद फिर मैंने जब पढ़ा, और ये सब मैं पिछले कई, मतलब कई वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा क्या कितनी कह सकते हैं कि मजेदार बात है, या कैसा संयोग है कि एक शास्त्रीय संगीत के परिवार में आपका जन्म, फिर बचपन में फिल्मी गानों की तरफ रुझान, और फिर वापस उस जड़ की तरफ जाना जहां से दरअसल संगीत निकला है। मैं जानना चाहूंगा पंडित जी, कुछ कुछ ऐसे राग बताइए अपने जो जब संगीत संगीत शास्त्रीय संगीत की जब तालीम शुरू हुई, उसके बाद जिन रागों के प्रति शुरू में आकर्षण हुआ हो, जो लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत मुझे अच्छे लगते हैं या मेरे दिल के करीब हैं,
ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नाट्य संगीत में होता था क्या कि एक एक नाट्य संगीत में दो दो तीन तीन रागे मिक्स करना होता था, तो इसीलिए हम जानते नहीं थे राग के बारे में उस समय, क्योंकि शुरुआत थी हमारे, तो कैसे मिक्स करते हैं ये लोग, झट से इधर इस राग से उस राग में कैसे जाते हैं, तो इसकी वजह वो ये और एक वजह थी कि क्लासिकल की तरफ आ जाओ, अट्रैक्शन वो एक था कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा राग मिक्स करें और तान बाजी ले लें, क्योंकि मराठी नाट्य संगीत में तो यही होता था, जितना आपका टैलेंट है उतना राग मिक्स करो और उसके पास तान ले लो, फिर वापस मुखड़े पे आ जाओ, यही खासियत है उस समय मराठी नाट्य संगीत का था, तो इसीलिए हमारा झुकाव तो फिर क्लासिकल की ओर चला चलता गया कि नहीं नहीं अभी तो क्लासिकल सीखना ही है। दादाजी तो पहले भास्कर बुआ से सीख ले, उसके बाद अब्दुल करीम खान साहब से सीखे। तो आपके तो बचपन में जैसे आपने बताया कि मुंबई के जिन कलाकार का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और भी कई दिग्गज कलाकारों का आना जाना रहा होगा, और आप लोग को बहुत प्रिविलेज रहा होगा उनके सामने कुछ सुनाने का या उनसे कुछ सीख लेने का, ऐसी भी कोई घटना हुई हो तो जरूर मुझे बताइए। जरूर जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं सब टॉप ऑल आर्टिस्ट ऑफ कर्नाटका आई नो वेरी क्लोजली, घर तक यानी बेडरूम किचन रूम तक मैं जाता था हर एक, कुमार जी के घर पे, भीमसेन जी के घर पे, राजगुरु जी, गंगूबाई जी, मल्लिकार्जुन मंसूर जी, क्योंकि सब यही रहते थे, इतना लगाव था हमारा। और एक मैं किस्सा जरूर बताना चाहता हूं कि मंसूर जी मुल्तानी राग प्रैक्टिस करते थे, जब मैं एम म्यूजिक करता था, इतना इंटरेस्ट अभी शुरू हो गया था मेरा, प्रवास शुरू हो गया था, उस दिन मैं जाके बैठता था तानपुरा लेके, मैं तानपुरा बजाता था और वो ऐसे सुनते बैठे थे, वो ए आज तक याद है मुझे, जब मेरा टर्न हो गया उसी दिन से, आज का मुल्तानी कल नहीं था, कल का मुल्तानी परसों नहीं था। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो गया, मैंने पिताजी से आके पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आज गाया हुआ मुल्तानी कल अलग कैसे हो सकता है। मैंने उस दिन पिताजी ने कहा कि बाबा हर एक राग को आप लोग आर्किटेक्ट की तरफ से देखना है, सो वी आर ऑल्सो आर्किटेक्ट्स, सो आप हम भी राग का बिल्डिंग बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बिल्डिंग बनाते हैं। ये ऐसे जिंदगी में होता रहता है, इसके लिए स्वर ज्ञान होना, स्वर स्वर प्रकाशित हो जाना, स्वर को वलय ले आना, स्वर सिद्धि हो जाना, राग गले पे चढ़ाना, ये जो बातें उन्होंने बताई कि उसके लिए मुझे 25-30 साल लगे सब रिसर्च करने में, क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ हमारे म्यूजिक फील्ड में, जब मैं छोटा था सुनने गया था किसी कलाकार को, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बड़े कलाकार को सुनने गया था, फिर आके मैंने पिताजी से पूछा कि ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह क्यों करते हैं और इतना तकलीफ क्यों उठाते हैं गाते समय। पिताजी का उत्तर था, नहीं बाबा ये क्लासिकल है, मतलब तकलीफ होना ही है तो फिर गाना क्यों है, अरे गाना सुकून के लिए है, गाना आत्मिक समाधान के लिए है, तो फिर इतना तकलीफ हो जाने के बाद गाना क्यों सुन रहा, गाना क्यों गाना है, तो फिर कुछ तो मिस्टेक है, तो अभी तो वो आपका काम है, अभी आप ढूंढ लो कैसे क्या करना है। सो उस दिन से मेरा शुरू हो गया, कई साधु संतों से मिलके मैंने प्राणायाम सीखे, वर्कशॉप्स किए, आज मैंने टेक्निक्स ढूंढ निकाली है कि कम से कम समय में रियाज कैसे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ओमकार मेडिटेशन। और भी मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा भी है और कलापिनी जी भी बताती हैं कि कुमार जी भी कहते थे कि एक राग को देखने का सिर्फ एक नजरिया नहीं होता, उसको 360 डिग्री से देखो और तब वो हर बार अलग अलग दिखाई देगा। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हर रोज राग की एक इमारत बनती है, कमरे बनते हैं, रास्ता बनता है, फिर अगले दिन उसको तोड़ के नए सिरे से बनाना होता है,
अब जब तक बहुत पूरा गले पर चढ़ता नहीं है राग, जी उस तब तक गाना ही नहीं चाहिए, पूरे गले पे चढ़ना है। रियाज का मतलब क्या है? हमारे जो जो दोष है उस दोष को निकालना, राग को प्रैक्टिस करना नहीं है। जो हमारे में दोष है वो दोष को निकाल के सभी रागे अपने गले के ऊपर पहले चढ़ा लेना चाहिए, तब जाके राग प्रसन्न हो जाता है। तब एक बार राग प्रसन्न हो गया तो फिर बाहर का जगह बाहर वालों को आप आनंद दे सकते। पहले आप ही खुश नहीं हो तो फिर दूसरों को क्या खुश देते हो? सही बात है। बहुत बहुत कई वरिष्ठ कलाकारों ने ये बात कही है कि हम तो मंच पे जाते हैं तो पहले अपने अपने लिए गाते हैं कि जब हमें अच्छा लगेगा तो बिल्कुल सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, अगर हम ही को नहीं अच्छा बिल्कुल लगता है बिल्कुल तो सामने वाले जी को हाँ अच्छा जी हाँ। लगेगा। तो हियर ऑल्सो साइंस प्लेज रोल, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वॉट एवर यू आर गिविंग द एनर्जी यू विल गिव, सो रिसीव द एनर्जी इन द सेम वे। पंडित जी, कोई राग थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए, जो आप अभी जिसका मन कर रहा हो आपका। मैं गुजारिश करूंगा पंडित जी, बताइए भी थोड़ा सा कि आपने जो ये गुनगुनाया है क्या था, क्योंकि बहुत सारे ये सब्सक्राइबर्स पूरिया ऐसे। धनश्री था, पूरिया अच्छा धनश्री था। अच्छा एक चीज और समझना चाहेंगे पंडित जी, जब किराना घराने की जब बात होती है तो किराना घराने की जो गायकी की जो तमाम खासियत है, उसमें एक खासियत ये भी है कि चौमुखी गायन है, यानी आप हर तरह का गायन वहां देखने को मिलता है। आप बिल्कुल ख्याल आपका हम सब जानते हैं, खूब सुना भी है, खूब देखा भी है, लेकिन ख्याल गायकी के अलावा क्या क्या गाना आपको पसंद है जो किराने घराने का ट्रेडिशनल कहा जा सकता हो? किराना घराना का ट्रेडिशन का सभी मैं गा लेता हूँ, और उसके अलावा आजकल जो भी फॉर्म्स है, मैं अकेला आदमी हूँ करना किराना घराने से, जो टप्पा गाता हूँ, भोरी गाता हूँ, ठुमरी गाता हूँ, झूला गाता हूँ, कजरी गाता हूँ, सब फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक ऐसे ही। इसके पीछे की जो वजह है, क्या वो वही वजह है जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हमने एक राग को साध लिया है और फिर बस हमको फिर जो जैसे करना है वैसे हम करते जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक कलाकार कितना अपना मन लगा के करेगा कुछ, सब कुछ हासिल कर सकता है। क्योंकि पहले एक जमाना था गुलाब का फूल मिलता था एक कलाकार को, 25-30 साल पहले एक गुलाब का फूल, एक नारियल और गुलाब का फूल ऐसे देते थे। अभी क्या देते हैं? गुलदस्ता देते हैं। तो गुलदस्ता के लिए अभी नेचर क्या कहता है, नेचर के साथ चलना होगा। गुलदस्ता में सभी है, किराना है, ग्वालियर है, जयपुर है, आगरा है, ठुमरी है, कजरी है, सब कुछ मिला के अगर आप पेश करोगे तो आप बचोगे, आगे जा पाओगे। क्योंकि हमारे जग बिल्कुल अभी छोटा हो गया, इसमें ओवर बाइफर्केशन हो गया, तो क्या होने वाला है संगीत का? आगे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और बिल्कुल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, और सिखाने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए कि कैसे सिखाना है स्टूडेंट्स को, आसान करके, क्लासिकल को कैसे आसान करके सिखाया जाता है। यही तो मैं सिखा मैं यही मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा बताइए पंडित जी, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि जब हमने 2015 में इस संस्था की शुरुआत की थी रागगिरी की, तो हमारा जी इवन अभी भी अगर आप हमारे ट्विटर पेज पे जाएंगे तो हमने लिखा है कि अगर शास्त्रीय संगीत का विकास करना है तो उसको अगली पीढ़ी से जोड़िए, उन्हें सिखाइए, उन्हें डराइए मत, उन्हें ये बिल्कुल मत बिल्कुल कहिए कि मैं तो 80 साल से कर रहा हूं लेकिन मैं तो सीख ही नहीं पाया हूं। तो आज की जनरेशन तो भाग जाएगी, वो कहेगी 80 साल से नहीं सीख पाया बिल्कुल तो मैं कहां बिल्कुल से सीखूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, आप जब ये कहते हैं कि क्योंकि आसान अभी करके सीख। अभी हम सुनते आए हैं कि करते रहो करते रहो, एक दिन हो मिल जाएगा, लेकिन अब वक्त कहाँ है करने के लिए? है ही नहीं है वक्त। अभी क्या चाहिए? ऑथेंटिसिटी चाहिए, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये ही मैं लाना चाहता हूं संगीत में।
जो अब तक नहीं हुआ है हमारे संगीत में। करते जाओ ये नहीं चलेगा, अरे ये करो कुछ दिन ये हो जाएगा। इसके बारे में आपको वॉइस कल्चर स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बेस वॉइस का मतलब क्या है, चेस्ट वॉइस का मतलब क्या है और हेड वॉइस का मतलब, इसका यूज हर एक वेस्टर्न में इतना बढ़िया कर लोग करते हैं, और हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है ताकि टेक्निक से गाना होता है, प्रेशर से गाना नहीं होता है, दिमाग से और टेक्निक से गाना पड़ता है। और जितना रियाज होता है उतना चिंतन और मनन हो जाना चाहिए। चिंतन मनन से गाना डेवलप ज्यादा होता है रियाज से भी। और रियाज को क्या जोड़ना है, प्राणायाम जोड़ना है। अभी मंद्र सप्तक के लिए कौन से प्राणायाम है, तार सप्तक के लिए कौन से प्राणायाम है, मध्य सप्तक के लिए क्या करना है, विलंबपद करते समय सांस को कैसे छोड़ना है, शब्दोपचार कैसे करने हैं, ये सब सिखाना पड़ता है। सिर्फ राग सिखाने से क्या फायदा करें, हाउ टू प्रेजेंट ए रागा, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यही सिखाना है। और मैं चाहता हूं कि हमारे संगीत में अभी ये हो जाना बहुत जरूरी है। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूं, कितने लोगों को मैं बता सकता हूं? वाइड पब्लिसिटी चाहिए इसके लिए कि हमारे सिस्टम में चेंज लाना बहुत जरूरी है। हम लोग पंडित जी 6-7 साल से यही काम कर रहे हैं। हमने चाहे हम एक कैलेंडर सीरीज की बात कर लें जिसमें हम कलाकार की बड़ी सी फोटो छाप के उसको अपने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बांटते हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि हम उनको म्यूजिक नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि पता तो चले कि मल्लिकार्जुन मंसूर साहब कौन थे, या पंडित रविशंकर कौन थे, या पंडित जसराज जी कौन थे। यहाँ तो क्या स्थिति है कि लोगों को नाम तक नहीं पता है। फिर हमने कहा कि कई कलाकारों से हमने रिक्वेस्ट की जो अपने कार्ड पे लिखते हैं कि 8 साल से छोटे बच्चों को कार्यक्रम में लेकर ना आए। हमने उनसे कहा कि 8 साल तो बच्चा आजकल इतना एक्सपोजर हो जाता है कि फिर 8 साल बाद उसको ले जाके क्लासिकल म्यूजिक सुना ही नहीं सकते हैं, तब तक तो वो रैप और जैज और पॉप पता नहीं क्या क्या सुन चुका होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अगर इसका विस्तार करना है तो आसान तो करना ही पड़ेगा। पहले छोटे बच्चों को ना आप क्लासिकल सिखाना ही मत, छोटा छोटे छोटे बंदिशे होते हैं ना, प्यार वाले बंदिशे होते हैं, छोटे छोटे बंदिश होते हैं, वही बंदिश सिखा दो बस। अस्थाई सिखाओ, अंतरा सिखाओ, 1-2 आलाप करके सिखाओ और उनको उनको बढ़ावा दो, बस बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, ऐसे करके अट्रैक्ट करना है। पहले से ही बोलने बोला है आपको नहीं आएगा ये क्लासिकल, ये क्लासिकल, ऐसे डिस्करेजमेंट बहुत होता है हमारे क्षेत्र, ये डिस्करेजमेंट बंद हो जाना चाहिए। पंडित कैवल्य कुमार जी से इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल रात 10 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे, बातचीत करेंगे उनके ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जो उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ उनकी गायकी तो होगी ही कल रात ठीक 10 बजे।